बाकी ओला ओनर्स हैं, मैं हूँ या फिर और भी 7000 अब तो क्लेम करते हैं 7000 डिलीवरीज दे चुके हैं, तो उन लोगों को बुद्धू मत बनाइए, जो है असली चीज़ है वो बताइए प्लीज़, ऐसे नहीं चलेगा। ओला ओनर्स मीटअप के वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि हमारा जो ओला F7 प्रो है वो रुक गया था 15% जब हुआ था, क्योंकि 15% के तुरंत बाद वो 3% हो गया था और गाड़ी पार्क मोड में आ गया था। तो फिर हमने गाड़ी को एक टी शॉप में रुकाया और वहां पे चार्ज किया। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। फिर हमने ओला इलेक्ट्रिक का जो कस्टमर केयर है वहां पे मैंने कॉल किया, तो जैसे कि आपको पता है कि कॉल तो लगता नहीं है, बहुत वेटिंग रहता है, तो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर ट्राई करने के बाद कॉल लगा और मैंने मेरा प्रॉब्लम जो है वहां पे बोला, और वहां पे एक सॉफ्टवेयर वर्जन जो था 1.0.4 वहां से इसको 1.0.16 में अपग्रेड करने के लिए एक रिक्वेस्ट रेज किया। तो उसके कुछ दिन बाद दो टेक्नीशियन आए और हमारे स्कूटर को 1.0.4 से 1.0.16 करके गए। तो थैंक्स टू ओला इलेक्ट्रिक टीम फॉर मेकिंग इट डन। तो अभी चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर वर्जन है 1.0.16 इसका परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब जो चार्ज ड्रॉप इशू है वो रिजॉल्व हुआ है कि नहीं। हमारा जो रेगुलर व्यूअर्स है उनमें से 90% हमारा सब्सक्राइबर नहीं है, तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। या तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। यस, हमारे स्कूटर का जो पुराना सॉफ्टवेयर था मतलब 1.0.4, तो उसमें अगर फुल चार्ज करके रख देते थे तो 6 to 8 hours के बाद हम लोग देखते थे कि 99% या फिर 98% चार्ज हो जाता था। तो हमने सोचा चलो अभी इस वर्जन में, इस सॉफ्टवेयर वर्जन में देख लेते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। तो हमने अपनी स्कूटर को फुल चार्ज किया, मतलब जो चार्जर है चार्जर का फैन ऑफ होने तक हमने फुल चार्ज करके रख दिया था। उसके 12 घंटे बाद हमने जाके चेक किया कि कितना परसेंटेज था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा 100% ही था तब तक। एंड जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो है 1.0.16 किलोमीटर, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 1297 किलोमीटर एंड टाइम है 10:36 AM, मतलब 10:36 AM। तो हमने सोचा कि अच्छा चलो सही है, अभी देखते हैं कि 18 आवर्स के बाद क्या होता है। तो 18 आवर्स के बाद, मतलब चार्जिंग के 18 आवर्स बाद हमने जाके फिर से चेक किया, तो तब भी देखा कि डैशबोर्ड में दिखा रहा था 100% ही चार्ज है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर वर्जन एंड किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस सभी सेम है एंड टाइम था वो 4:33 PM। तो हम तो बहुत ही खुश हो गए थे, तो हमने सोचा अच्छा चलो 18 आवर्स के बाद देख लिया, अभी 24 आवर्स के बाद भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो 24 आवर्स के बाद जब हमने चेक किया तब भी देखा कि 100% ही दिखा रहा था डैशबोर्ड में एंड हम तो बहुत ही खुश हो गए थे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर वर्जन भी सेम है, मतलब 1.0.16 एंड किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस है 1297 किलोमीटर, मतलब हमने कुछ भी नहीं चलाया था, पार्क मोड में ही पूरा 24 आवर्स था एंड टाइम था 10:53 PM। तो हम तो बहुत ही खुश हो गए थे कि अच्छा चलो ये चार्ज ड्रॉप का इशू शायद रिजॉल्व हो गया है। बट हमने सोचा कि अच्छा एक बार रिबूट करके देखते हैं तो पता चलेगा कि असल में क्या परसेंटेज है। तो रिबूट करने के बाद हमने डैशबोर्ड में देखा कि बैटरी परसेंटेज था 97% एंड रिबूट करने से पहले था 100%। तो हमें ये थोड़ा सा अजीब लगा कि अगर सच्ची में चार्ज ड्रॉप हो रहा है तो पहले से ही हमें डैशबोर्ड में दिखाना चाहिए, ना कि रिबूट करने के बाद ये दिखाना चाहिए। तो हमें लगा अच्छा चलो ये हो भी सकता है, क्योंकि हम अगर अपना सेल फोन भी 24 आवर्स के लिए रख देते हैं ऐसे ही तो भी कुछ ना कुछ चार्ज ड्रॉप हो जाता है। लेकिन हमने सोचा कि हमारा जो असली इशू है वो है 15% के नीचे डायरेक्ट 3% में आ जाना या फिर पार्क मोड में चले जाना, तो वो इशू शायद रिजोल्व हुआ होगा, चलो वो चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया था, उस दिन ही 100% चार्ज कर लिया था फिर से अपने स्कूटर को एंड हमने 100% से 20% तक वैसे ही मतलब चला लिया था। तो चलाने के बाद क्योंकि हमें देखना था कि 20% के नीचे इसका परफॉर्मेंस क्या है, तो चलिए अभी देख लेते हैं कि 20% के नीचे जब बैटरी का चार्ज चला गया था तो स्कूटर कैसे परफॉर्म किया, कोई इशू आया कि नहीं या फिर क्या क्या इशू आया वो भी देख लेते हैं, चलिए चलते हैं। यस, देख सकते हैं कि
चार्ज 20% बचा है और ये 30 किलोमीटर चल सकते हैं ऐसा बोल रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कितना किलोमीटर चल सकते हैं इस 20% चार्ज में। कुछ कुछ लोगों का 30% से डायरेक्ट 0% हो गया है और हमारा भी 15% से डायरेक्ट 0% हो गया था, तो कुछ भी चला नहीं पाए थे उससे। तो वो जो इशू है वो इस वर्जन में सॉल्व हो गया है। तो अभी हमें ये देखना है कि लास्ट 20% में कितना चलता है और ओला जो क्लेम करता है वो सही है कि नहीं। तो चलो चलते हैं। तो ये टेस्ट कर रहे हैं हम पिलियन राइडर के साथ, तो क्योंकि ये जानना भी आपका ज़रूरी है कि अगर किसी को लेके आप चलाते हैं तो कितना रेंज मिलता है। अभी हम 40-50 के स्पीड में चलाएंगे नॉर्मल मोड में, क्योंकि जब 20% चार्ज बाकी रहता है तो नेचुरली कोई भी ज़्यादा स्पीड में चलाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उनको रेंज चाहिए होगा, तो इसलिए वही कर रहे हैं। और हम रीजनरेट भी कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अभी रीजनरेट हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, मतलब कि ये रीजनरेट हो रहा है, बैटरी रीजनरेट हो रहा है। तो जैसे तैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रेंज अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो अभी 16% बचा है, बोल रहा है कि 24 किलोमीटर चल सकते हैं, देखते हैं कितना चल सकते हैं। Very low battery. Change into eco mode in 10 seconds. तो ओला ने बोल दिया कि ये अभी इको मोड में 10 सेकंड्स में इको मोड में चला जाएगा और चला भी गया अभी। अभी 15% बचा है, घर तो पहुंच जाएंगे लेकिन देखते हैं और भी कितना चल सकते हैं, हर पॉजिटिव के बाद भी कितना चल सकते हैं। इको मोड में भी ऊपर चल रहा है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। 13% बचा है, चलो 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 चलो। जितना हो सके मैं रीजनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेंज मिले, क्योंकि जब 15% बचा हुआ रहता है और आपका घर फॉर एग्जांपल 15 किलोमीटर दूर है तो आपको ऐसे ही चलाना पड़ेगा। थोड़ा सा चलिए और थोड़ा सा रीजनरेट कीजिए, और जिनको पता नहीं है उनको बता देता हूँ, ये रीजनरेट करने के लिए ये थ्रॉटल को उल्टा घुमाना पड़ता है। हाँ, ये थ्रॉटल को हम उल्टा घुमा रहे हैं, जो रिवर्स मोड में जाने के लिए थ्रॉटल को हमें उल्टा घुमाना पड़ता है ना, तो वही सेम ऑपरेशन आपको यहाँ पे करना है। अभी 11% बचा है, 15 किलोमीटर चल सकता है, चलो चलो। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 10% बैटरी रिमेनिंग है, एंड जब हमने 20% में देखा था तब डिस्टेंस कवर था 89 किलोमीटर, अभी है 100 किलोमीटर। दैट मीन्स कि 10% बैटरी में हमने चल लिया है 11 किलोमीटर अभी तक, एंड अभी दिखा रहा है कि 13 किलोमीटर चल सकता है, तो देखते हैं क्या आता है, देखते हैं क्या होता है। चलो अभी चलते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, गाड़ी तो रुक गए, अभी अभी दिखा रहा था कि 12 किलोमीटर चल सकता है, एंड परसेंटेज भी कितना था, 10% था बैटरी, तो हमें लगा था कि हाँ अभी इस वर्जन में हमें ज़्यादा रेंज मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घर यहाँ से बहुत दूर है, लगभग 3 किलोमीटर है, तो अभी हमें इसको ढकेल के लेके जाना होगा, धक्का लगाना पड़ेगा। तो सोच के ही डर लग रहा है कि धक्का लगाना पड़ेगा। तो ये वर्जन जो है ये बेकार है। हाँ, बेसिकली 1.0.16 में हमें पता चला था कि ये बैटरी ड्रॉप का इशू है, वो रिजॉल्व हो जाएगा,
लेकिन ऐसा नहीं है, ये बेकार चीज़ है, हाँ कोई भी कुछ ऐसा नहीं है। तो ओला प्लीज़ कुछ कीजिए, हाँ क्योंकि बैटरी ड्रॉप का इशू अभी भी है। लास्ट डे 15% से सीधा जीरो हो गया था, आज 10 से जीरो हुआ, हाँ, हुआ तो है, यही इम्प्रूवमेंट हुआ है, यही इम्प्रूवमेंट हुआ है और कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो ओला प्लीज़ हमारे जो बाकी ओला ओनर्स हैं, मैं हूँ या फिर और भी 7000 अब तो क्लेम करते हैं, 7000 डिलीवरीज दे चुके हैं, तो उन लोगों को बुद्धू मत बनाइए, जो है असली चीज़ है वो बताइए प्लीज़, ऐसे नहीं चलेगा। तो ठीक है, पता लगाना स्टार्ट करते हैं और बहुत दूर है अभी यहाँ से। अभी दिखा रहा था कि 10% रिमेनिंग है, अभी 3% हो गया है एंड डिस्टेंस कवर्ड सेम ही है कि 100 किलोमीटर, तो हमने तो चला ही नहीं, 10 से सीधा 3%, दैट मीन्स ये जीरो ही आप कंसिडर कर सकते हैं। अभी तो ये नहीं जाएगा, दिखा रहा है 0 किलोमीटर। चलो चलो। तो लगभग 500 मीटर आने के बाद हमें ये शॉप मिला, मयूर चिकन एंड एग्स। सो इनको रिक्वेस्ट किया तो इन्होंने बहुत ही हेल्पफुल हैं, तो इन्होंने हमें हेल्प किया ये चार्ज करने के लिए। तो अभी 15-20 मिनट चार्ज करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैं तो बहुत ही गुस्से में था क्योंकि बैटरी का चार्ज 10% से डायरेक्ट 3% में आ गया था और गाड़ी पार्ट मोड में आ गया था, मतलब कि गाड़ी रुक गया था। यस, तो ये तो फिर भी हम लोग अंदर के एक रास्ते में थे तो हम लोग बच गए थे, लेकिन उस टाइम पे हम लोग हाईवे में भी हो सकते थे क्योंकि उस टाइम पे 10% चार्ज दिखा रहा था डैशबोर्ड में एंड दिखा रहा था कि रेंज है 12 किलोमीटर, तो हम लोग कहीं पे भी हो सकते थे। तो अचानक बीच रास्ते में रुक जाने की मतलब है हम लोग एक्सीडेंट फेस कर सकते थे। लकीली हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इस टाइम तो बच गए। तो हम लोग ओला इलेक्ट्रिक से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि डैशबोर्ड में जो दिखाता है, जो चार्ज दिखाता है, जो रेंज दिखाता है, वो सही में दिखाइए। मतलब जो दिखाता है वो रियलिटी में होता नहीं है, होता है कुछ और, दिखाता है कुछ और। तो ये आप प्लीज रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो जो इशू हमने फेस किया है वही हम इस वीडियो में दिखाए, आपके लिए ये इशू ना भी आ सकता है, लेकिन हमारे लिए इशू आया तो वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो हम ओला इलेक्ट्रिक को यही बोलना चाहते हैं कि मूव ओएस 2.0 जो आ रहा है, जो कि भावेश अग्रवाल जी ने ट्वीट करके बताए हैं, उसमें हमें म्यूजिक सिस्टम नहीं चाहिए, हमें ब्लूटूथ का एक्सेस भी नहीं चाहिए, नेविगेशन भी नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि सेफ्टी, ये गाड़ी अचानक से रुकना नहीं चाहिए, जो रेंज रियलिटी में आता है वही दिखाइए ताकि हमारी जान की कोई खतरा ना हो। Yes. तो ये वीडियो यही तक, अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज गिव अ लाइक फॉर दिस वीडियो, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ तो बेल आइकन भी जरूर दबाइए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ओला इलेक्ट्रिक टीम के पास पहुंच जाए और वो अकॉर्डिंगली इसके ऊपर एक्शन ले। Yes. तो अभी चलो बाय बाय।